कोरोना वायरस की वजह से अनिश्चित काल के लिए टले आईपीएल 2020 अब 26 सितंबर से शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल आयोजन का स्केड्यूल बना लिया है और इसका आयोजन इस बार भारत में होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल यूएई में खेला जाएगा। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से बीसीसीआई को ये फैसला लेना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई ने आईपीएल का पूरा स्केड्यूल तैयार कर लिया है। टूर्नामेंट यूएई में 26 सितंबर को शुरू होगा और 6 नवंबर को आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा। आईपीएल का पूरा स्केड्यूल अगस्त के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। इससे पहले गुरुवार को खबरें आई थी कि आईपीएल में हिस्सा लेने वाले सभी भारतीय क्रिकेटर 5 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए यूएई जा सकते हैं। ट्रेनिंग कैंप खत्म होने के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजियों को अपने ट्रेनिंग कैंप लगाने का मौका दिया जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीसीसीआई के पास यूएई ही आईपीएल के आयोजन का विकल्प है। बीसीसीआई यूएई में आईपीएल आयोजित कराने के लिए मंजूरी ले रही है। बता दें, ऐसा दूसरी बार होगा जब आईपीएल मैच यूएई में होगा। इससे पहले साल 2014 में आईपीएल का पहला राउंड अबू धाबी, दुबई और शारजाह में आयोजित हुआ था। आम चुनावों की वजह से यूएई में पहले चरण के मुकाबले आयोजित कराए गए थे। यूएई को आईपीएल का आयोजन स्थल चुनने की एक और वजह है। दरअसल दुबई पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, वहाँ पूरी दुनिया की उड़ानें आती है, इसलिए विदेशी खिलाड़ियों को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज़ में यूएई लाना आसान होगा। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।